काशीपुर पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब उसने एक शातिर डकैतों की गैंग को धर दबोचा। यह गैंग डकैती के साथ लूट और चोरी की वारदात को भी अंजाम देता था। काशीपुर में विगत दिनों घर में घुस के डकैती डालने वाली गैंग पुलिस के हाथ लग गई है। इसने एक घर के लोगों को बंधक बना के डकैती की वारदात को अंजाम दिया था और सोने चांदी के जेवरात और कैश अपने साथ ले गए थे। इनकी खोज के लिए पुलिस ने 4 टीमें काम कर रही थी। पुलिस को पता चला ये गैंग डकैती के साथ लूट और चोरी की घटनाओं को भी अंजाम देती है। पुलिस टीम ने इस गैंग के 7 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया कुछ बाहर के लोग चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे जिनकी गतिविधियां काफी संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इसी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की तो इन अपराधियों का खुलासा हुआ। इन्हें डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय DGP महोदय और हमारे माननीय DIG महोदय का निर्देश रहता है कि त्वरित अनावरण होना है, सफलतापूर्वक और कंप्लीट अनावरण होके सभी बरामदगी होना है और उनके ऊपर प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करना है। ऐसा हमारा माननीय DGP महोदय और DIG महोदय का निर्देश रहता है। साथियों, बड़े गर्व का विषय है कि जो बीते दिनों जो सनसनीखेज डकैती का प्रकरण हुआ था, कहने को तो वो काशीपुर थाना क्षेत्र में पड़ता था, पर वो काशीपुर और ITI का बॉर्डर क्षेत्र में बहुत ही मतलब सुनसान खेत के बीच में एक मकान था। उस मकान पे कोई कैमरा वैमरा बहुत ज़्यादा इंस्टॉल्ड नहीं था, तो ऐसी जगह पे कुछ काफ़ी संख्या में हथियारबंद लोग आए घर के अंदर। फर्स्ट फ्लोर की जो विंडो रहती है उसको तोड़ के अंदर घुसे। जब घर के लोगों ने विरोध व्यक्त किया तो इनके द्वारा तमंचे की बट से हमला करके उनको उनके उनके घर से जो है लूटपाट बचाई गई। विभिन्न प्रकार के गहने और कैश को लेके चले गए। तो प्रोफेशनल पुलिसिंग का हमने दुरुस्त नमूना दिखाया। केवल ये नहीं कि थाना कहाँ हुआ है, हमारा ITI SHO ने तुरंत किसी से पूछे बिना ही तत्काल लग गए प्रवीण कोश्यारी, उसके अलावा उनकी टीम, काशीपुर की समस्त टीम लग गए। विद इन 1 आवर हमने सारे जगह से नाकाबंदी करके कैमराज देखना शुरू कर दिया था और अगले दिन सुबह तक हमारी सारी टीमें वहाँ पे आउटसाइड उत्तराखंड में चली गई थी। CO हमारा वंदना, हमारा अभय SPCT काशीपुर, इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी लोड था ATM का। इसके बावजूद भी ATM चोरी का लोड तो था ही, उसके बावजूद भी सेकंड क्राइम को भी बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया जी। संपूर्ण काशीपुर की टीम, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये थाने का मामला है, वो थाने का मामला है। मैं आपको बता दूं, जसपुर, काशीपुर, कुंडा, ITI, सभी के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। विशेष रूप से इसको लीड किया, इस ऑपरेशन को, जिसमें फील्ड लेवल पे प्रवीण कोश्यारी लीड कर रहे थे। दिस इज शोइंग दैट टीम वर्क इज़ वेरी गुड इन उधम सिंह नगर। तो टीम वर्क का ये भावना है। बहुत बड़ी टीम हमने निकाला, विभिन्न जनपदों पे हमने रेड मारा, कैमरेज को देखते हुए, CDRs को देखते हुए, मैनुअल, टेक्निकल और सर्वेलांस के माध्यम से, इन सभी का समागम से हमने इस बहुत बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह का वर्कआउट किया है। कुल मिला के बता दूँ साथियों, ये बड़ा शातिर काइंड ऑफ अपराधी है। ये लोग वैसे तो दिन दहाड़े में, दिन के टाइम में वो मजदूरी, दिहाड़ी, पेंटर, रंगाई पुताई, ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं, परंतु इनका आपराधिक इतिहास देख के मैं खुद हैरान हो गया हूँ। जो इनका गैंग लीडर है विनोद, उसके ऊपर 15 मुकदमे, उसमें 4 डकैती का है। तो ये दिन में तो ये सब काम करते हैं, फिर इसी टाइम में रखी करते हैं, उसके बाद जब ये डिसाइड करते हैं करना है तो वो बिल्कुल सटीक तरीके से जाके वहाँ पे उन घरों में रेड मारते हैं और वहाँ कोई भी विरोध करते हैं तो ये लूटपाट के अलावा डकैती भी करते हैं, बल प्रयोग भी करते हैं और जान से मारने को भी आगे पीछे नहीं देखते। बहुत ही ब्रूटल गैंग है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।